नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पॉलिटी पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ रहा है, आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है उसको बिल्कुल समझ रहा हूँ। बायो हमें उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज़ मानिए, बस पॉलिटी अपने लास्ट चरण पे है, है ना, कराह रही है, बस फिनिश करना उसको। तो एक आध दिन और रुक जाइए बस प्लीज़ आप लोग, फिर हिस्ट्री और बायो कंटिन्यूसली चलेगा। बायो इनफैक्ट ज़्यादा रखूँगा मैं, तो प्लीज़ मत टेंशन लीजिएगा। 24 सितंबर से पहले बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन हो जाएगा बायो का, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए बायो में मैं वो टॉपिक्स पहले लूँगा जो मार्क्स फैचिंग है, है ना। तो प्लीज़ अभी आप लोग निराश मत होइए, बायो की वीडियोस कंटिन्यूसली आएंगी। होपफुली कल से मैं बायो की वीडियो डालूंगा, लेकिन पॉलिटी भी मेरा जो लास्ट फोकस रह गया है, कुछ चीज़ें उसमें हैं लास्ट में जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और हम लोग रह जाते हैं, तो उसे हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट हमारा कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, दैट विल बी गुड साइन। तो जो ये सेक्शन है मेरा, महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं इसमें, एक्चुअली एक वीडियो और डलेगी, बिकॉज जो हमारे, आपको पता है ना कि संविधान जो होता है, तो संविधान जब बनाया गया था तो वो आगे के लिए सोच के बनाया गया था, लेकिन फिर भी समय के साथ हमें कुछ नए नए प्रावधानों या थोड़े बहुत बदलाव की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 368 विद्यमान है, जो कि संविधान में संशोधन करने के लिए रास्ता खोलता है। उसके तहत उसका प्रयोग भी किया गया और अभी करीब 101 के करीब संविधान संशोधन हो चुके हैं। जो 101वां वो जो हुआ था मेन, जो GST पे जानते हैं हम लोग, है ना, 101वां संविधान संशोधन आर्टिकल 279 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें एक नया अप्रत्यक्ष कर लाया गया, GST, है ना, वन नेशन वन टैक्स, कनाडा वाला। GST के विषय में आपको ज़्यादा पढ़ना होगा तो मेरी वीडियो है GST की, वो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसमें जो हमारे जीवन, हमारे भारतीय जीवन में आज़ादी के बाद जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, उसमें से जो टॉप मोस्ट हैं वो मैंने इस क्लास में कवर किए हैं। रेस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हार्डली 15-20 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन घूम घूम के आते हैं, वो हम जरूर कर लेंगे, उसके बाद बाकी देखा जाएगा, ठीक है। मतलब जितना मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एटलीस्ट वो आपको हर हालत में आने चाहिए, हर हालत में आने चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर कहा जाए कि, तो मैंने शुरू किया है सीधे 42nd से, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट किसी प्रकार से आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, है ना, इतना बड़ा संशोधन हो गया कि एक छोटा संविधान बन जाए इसके ऊपर, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 42वें संशोधन से शुरू किया है और मैं आया हूँ 71वें संशोधन के आसपास तक। इसके बाद भी कुछ हैं, जैसे 86वां है, कई सारे हैं और वो करेंगे हम लोग, इसके लिए एक वीडियो मुझे और लगेगी। देखिए, अभी आप ये मान के चलिए कि 5 से 6 वीडियो, शायद 5 या 6 वीडियो टोटली में पॉलिटी की और आएंगे टोटली, और पॉलिटी फिनिश आपकी, ठीक है। और रिविज़न के दौरान मैं जो वीडियो डालूंगा वो अलग बात है। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले करते हैं 42वां संविधान संशोधन। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो उस समय की पृष्ठभूमि आप लोग समझ लीजिए। समय है ये 1976, अगर आप लोग ठीक से ध्यान दें तो ये वो काल है जो हमारे लोकतंत्र का काला अध्याय बोला जाता है ना, ब्लैक पीरियड, डार्क पीरियड। क्यों? इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, देश में तीसरी बार आपातकाल लगा, 2 बार पहले भी लग चुका था राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। पहले 1962 में लगा था चाइना वॉर के बाद, चाइना वॉर के टाइम पे, 71 में लगा था पाकिस्तान वॉर के साथ, और 75 में देश में शांति बनाए रखने के नाम पे ये लग गया। और इस दौरान मतलब डेमोक्रेसी ने दम तोड़ा, जिसमें काफ़ी आंदोलन हुआ, बहुत ज़्यादा इस पर रिवोल्ट हुआ। तो इस दौरान अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसे अमेंडमेंट करवाए जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा थोड़ी थोड़ी बदल ही दी, ठीक है। तो देखते हैं, इतने बड़े पैमाने पे ये संविधान संशोधन हुआ था कि इसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो एक यही क्वेश्चन आ जाता है, एक ही क्वेश्चन आया था, कभी हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। इसमें ये कितना ब्रॉड है ये डिस्कस करते हैं। इसमें 2 नए चैप्टर जोड़े गए सीधे सीधे, ठीक है। Part 4A, Part 4A जो मौलिक कर्तव्य वाला है, पूरा नया चैप्टर ही जोड़ देगा। फिर 14A जिसमें सिविल सेवाओं को केंद्र सरकार को कई अधिकार दे दिया गया कि वो राज्यों में ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज सकता है, सेनाओं को भेज सकता है, है ना। इसके तहत 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 9 नए आर्टिकल बनाए गए, कितने, 9, 52
अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, कितने अनुच्छेदों में, 52 अनुच्छेदों में संशोधन हुआ। तो आप ये इसका वृहद स्तर देख लीजिए, कितना बड़े कैनवस पे ये सब प्रोग्राम हुआ, ये सब अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है मेन लाइन, ये हमारे जो संविधान की उद्देशिका है उसमें 3 नए शब्दों को डाला गया, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष सेकुलर, और तीसरा अखंडता, है ना, सोवर्जिनिटी, ठीक है। ये सब कुछ डाला गया, पहला क्वेश्चन यहाँ, ये सब क्वेश्चन तैयार हो गया आपके, सिंपल सिंपल, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संशोधन में डाला गया, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया पूरा का पूरा, है ना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार तो पहले से था, मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया 4(1) के अंतर्गत जो है, है ना, अनुच्छेद 51A जो उसमें आता, पूरा ही पूरा डाला गया, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, है ना। इसके अंतर्गत आर्टिकल 368 में भी बदलाव किया गया। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 है हमारा जो ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो पूरी निर्मित की गई है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होता है, एक तो साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, और एक स्थाई विशिष्ट बहुमत से, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया, देखिए इसको, इसमें संसद की सुप्रीमेसी स्थापित करने की कोशिश की गई कि संसद द्वारा स्थापित, संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किए जा रहे हैं उसे कोर्ट में कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या बोला गया कि संसद, पार्लियामेंट ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया वो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उस पर कोई भी विचार कोर्ट में नहीं हो सकता है, उसके लिए कोर्ट में वो चैलेंज नहीं हो सकता है, ये किया गया। और दूसरा क्या जोड़ा गया, किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति संसद की क्षमता पे प्रभाव नहीं डाल सकती है संविधान संशोधन को लेकर, अर्थात संसद की शक्तियों में कोई कमी नहीं की जा सकती है संविधान संशोधन को लेकर, है ना, संसद को मजबूत बनाया गया ये। इसके बाद इसमें देखिए लोकसभा का, विधानमंडल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 6 वर्ष कर दिया गया, अब तक 5 वर्ष होता था ना, तो उसको बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। ये सब अनप्रेसिडेंटेड हो रहा था, अप्रत्याशित रूप से हो रहा था, ठीक है, इसलिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट है। 352 अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ना, जिसके अंतर्गत वो आपातकाल लगा था, उसी में बदलाव कर दिया गया, उसमें कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति को अगर बोल दिया गया तो राष्ट्रपति को आपातकाल तो लगाना ही लगाना है, प्लस वो राष्ट्र में आपातकाल के अलावा किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी आपातकाल लगा सकता है। मतलब क्या, नेशनल लेवल पे इमरजेंसी लगे ना लगे, अगर वो चाहे तो किसी स्टेट में भी नेशनल लेवल के राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, राज्य का आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों में बदलाव किया गया, और इस जो आपातकाल की का जो ये आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसको और कड़ा बनाया गया, ठीक है, उसको और कठोरता से लागू करने के लिए बनाया गया। 14A अनुच्छेद में मैंने बताया था ना, 14J एक जो नया अनुच्छेद बना था, इसके अंतर्गत सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक न्यायाधिकरण का, एक ट्राइब्यूनल का निर्माण किया गया, एक न्यायाधिकरण का निर्माण किया गया। उसके बाद जो सेंट्रल की जो फोर्सेज हैं उसको किसी भी राज्य में जाने की अनुमति दे दी गई, ठीक है, किसी भी राज्य में जाने का अधिकार दे दिया गया इसी अमेंडमेंट के तहत। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, जैसे अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या है, अगर मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दे दी, इसमें बदलाव क्या कहता, मंत्रिपरिषद ने जो भी सलाह दे दी वह राष्ट्रपति के लिए ऑब्लिगेटरी है, राष्ट्रपति को मानना ही मानना है, राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो 42वां संशोधन अगर आप उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक प्रकार से विधायी शक्तियों को हावी किया जा रहा था बहुत तेजी के साथ, और संसद की सुप्रीमेसी को साबित किया जा रहा था, और ये सब काम इसलिए हो रहा था कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसे जस्टिफाई किया जा सके, उसे संवैधानिक दायरे में लाया जा सके, इसलिए इतने बड़े संशोधन को अंजाम दिया गया। तो ये वो चीज़ें हैं 42वें संशोधन की जो सीधे सीधे पेपरों में आती हैं, ठीक है। इसको अगर आप करते हैं तो 42nd अमेंडमेंट से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका रह जाएगा। 42nd अमेंडमेंट को लेकर कई बच्चों ने बोला था बनाने के लिए, तो मैंने 42nd अमेंडमेंट से शुरू किया, और नो डाउट 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट, ठीक है, ये दोनों को करे बिना संविधान संशोधन को पढ़ना बेकार है। अब आते हैं 44वें संविधान संशोधन, जो 43वां था उसमें 42वें की कुछ चीज़ों को घटाया, ख़त्म किया गया था, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 44वां इंपॉर्टेंट है। 44वें बड़े स्तर पर काम हुआ। ये टाइम कौन सा आ गया,
1978 का, कौन सा आ गया 1978 में सरकार बदल चुकी थी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, जनता पार्टी आई थी, उन्होंने 42वें संशोधन की कसर निकालने की कोशिश की, सबसे इसमें कई सारे बदलाव किए गए, पुनः 352 अनुच्छेद में बदलाव किया गया। 352 अनुच्छेद में क्या बदलाव किया गया कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया और राष्ट्र की या राज्य की रक्षा के लिए, है ना, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी लगाने को इनवैलिड कर दिया गया। तो पहले उसमें था कि राज्य सुरक्षा के नाम पे आपातकाल की लाइन थी, वो खत्म कर दी गई, और सशस्त्र विद्रोह अर्थात राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत तब राष्ट्रपति शासन लगा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं जब या तो बाहरी हमला हुआ हो या देश में सशस्त्र आर्म के साथ वॉर हो गई हो, सिविल वॉर हो गई हो, तभी कर सकते हैं। अब मतलब सिर्फ राज्य की सुरक्षा के नाम पर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको मूल अधिकार से निकाल के आर्टिकल 300 अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में डाला गया, मतलब 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो 7 से हटके 6 हो गए थे वो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुच्छेद 74 में पुनः बदलाव हुआ, अनुच्छेद 74 में पुनः बदलाव हुआ। उसमें क्या कहा गया कि भाई मंत्रिपरिषद की सलाह को ना पुनर्राष्ट्रपति के पास अगर दी जाती है तो वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, वो उस पर पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकता है। पहले उसके पास ऐसा नहीं था, जो सलाह मिल गई उसे इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन अब क्या दिया, राष्ट्रपति को थोड़ी लिबर्टी दी, वो उसको पुनर्विचार के लिए दोबारा मंत्रिपरिषद को भेज सकता है। ठीक है, और ये हो गया आपको लोकसभा विधानसभा की अवधि को पुनः 6 वर्ष घटा के 5 वर्ष कर दिया गया, लोकसभा की और विधानसभा की अवधि को घटा के पुनः कितना कर दिया गया, 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और की गई थी 352 में, कि जब पहले तो क्या था कि अगर मंत्रिपरिषद ने बोल दिया तो यह आपातकाल लग जाएगा उसकी सलाह पे, लेकिन अब क्योंकि इंदिरा गांधी का वो अकेला फैसला था ना इमरजेंसी का, तो ऐसे फैसलों से बचने के लिए इसमें चीज़ें जुड़ गई कि जब तक आप मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखित में, रिटर्न में आपको सलाह नहीं देती है आपातकाल लगाने की, तब तक आपातकाल राष्ट्रपति नहीं लगा सकता। इसके लिए रिटर्न अब जरूरी हो गया। ठीक है, और उसके बाद संसद से पास कराना है, इसको बहुत आवश्यक है, जो तो पहले भी था। हो गया, ये हो गया, तो ये आपका 44th अमेंडमेंट था। इतना, ये दो अमेंडमेंट ये लगा लीजिए हमारे माइलस्टोन है हमारे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अमेंडमेंट की हिस्ट्री में ये दो इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन रूटीनली आते हैं। ठीक है, अगला है 51वां संविधान संशोधन। कौन सा? 51वां संविधान संशोधन, जो कि 1984 में हुआ, किस अनुच्छेद में किया गया? 330 और 332 में। 330 और 332 किससे संबंधित? आरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो नए राज्य बने थे, इसमें नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की जातियों को, जो ट्राइब्स थी, जनजातियाँ थी, उनको लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? रिजर्वेशन प्रदान किया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा। नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की जो स्पेशल ट्राइब्स थी उसको शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में लोकसभा में आरक्षण दिया गया। क्लियर हो गया। अब आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, 61वां संविधान संशोधन। ये मैंने सुबह भी बताया था आपको, जो वीडियो डाली थी, कि तारकुंडे समिति ने, जो कि 1980 की थी, उसने कहा था कि भाई, कई सारे सुझाव दिए थे चुनाव सुधार के, उसमें कहा था कि एज को ना वोट डालने की एज को घटा के 21 से 18 वर्ष कर दिया जाए। तो संविधान में आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया, अनुच्छेद 326 में, जिसके अंतर्गत वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट 61वां। अब अगला है 65th कौन सा है? 1990 वाला। इसके अंतर्गत क्या है? SC ST को, SC ST जो जातियाँ हैं, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ की जो जातियाँ हैं, इनके लिए अब आयोग का निर्माण किया गया। क्या क्या? एक कमीशन बनाया गया, SC ST कमीशन बनाया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इस आयोग के निर्माण के लिए रास्ता साफ किया गया, जिसके लिए अनुच्छेद 338 में बदलाव किया गया, अनुच्छेद 338 में बदलाव किया गया। ठीक है, ये सब तो एक एक लाइन क्या है। 69th बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली के लिए पेपर दे रहे हैं वो खास तौर से, DSSB वाले बच्चे तो खास तौर से, इसमें सारा कुछ दिल्ली के बारे में है। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन सीधे सीधे दिल्ली के विषय में है, जो कि आर्टिकल 239 में बदलाव किया गया, 239AA और 239AB, ये दो क्लॉज जोड़े गए, जिसके अंतर्गत दिल्ली में एक विधानसभा की स्थापना की गई 70 MLAs की, 70 सदस्यों की। उसके बाद
आपको दिल्ली का नाम बदल के नेशनल कैपिटल रीजन रखा गया, NCR जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली से बाहर तक का एरिया उसमें पूरा कवर होता है। तो NCR की स्थापना हुई, 70 MLA के लिए विधानसभा शुरू हुई और इसी के अंतर्गत दिल्ली का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो LG को माना गया। जो अरविंद केजरीवाल और LG के बीच में जो समस्या चल रही थी कि असली पावर किसके पास है, तो वो इसी आर्टिकल में नहीं था। वो तो ये क्वेश्चन कई बार आता था, इवन UPSC में भी ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1991 का संशोधन है, 243 ए और 243 ए बी, प्योर दिल्ली से रिलेटेड है। NCR की बात की गई, दिल्ली में विधानसभा स्थापित की गई जिसके बाद विधानसभा चुनाव शुरू हुए यहाँ पे, और दिल्ली का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है वो LG उपराज्यपाल है, बिकॉज दिल्ली एक UT है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसमें दिल्ली को विशेष दर्जा भी मिला हुआ है। अगला है 71वां संविधान संशोधन, 71st, ये 1992 में होता है। इसके अंतर्गत तो तीन भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसके अब ये सब मिला के 18 भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई हैं, है ना। इसे आपको पता है ना कि ये वो 18 भाषाएं हैं जिसमें कि आप किसी मतलब कि कोई भी राजकीय कार्य वगैरह जो बिल्कुल कि जिसका संविधान में जिक्र, जो संविधान में दर्ज है, है ना, राजकीय भाषाओं के रूप में, अलग अलग भाषाओं के रूप में। राजकीय भाषा तुम्हारी हिंदी है, लेकिन 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हो चुकी हैं संविधान में, 18। तो 71वें संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इसके अंतर्गत दर्ज की गई। ये हो गया। ये तो देखिए इस वीडियो में बोर्ड छोटा था इसलिए मैंने इतने ही अमेंडमेंट ले पाया। इसके बाद 73वां और 74वां आएगा, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया, स्थानीय सुशासन का, है ना। 73rd अमेंडमेंट जो है वो हमारा रिलेटेड है ग्राम पंचायतों से, ग्राम सभाओं से, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वशासन है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, इससे संबंधित है। और जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगरीय अर्बन सेल्फ गवर्नेंस से है, है ना, जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद वगैरह है उसको, उसके लिए आप मेरा प्लीज़ जो गवर्नेंस वाला, स्वशासन वाला चैप्टर है वो पढ़ लीजिएगा। मैं उसका हल्का सा जिक्र करूँगा, पूरी तरह जिक्र उसका नहीं करूँगा। 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, संविधान के भाग 9 में जो किया गया है जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 में सारे अमेंडमेंट हुए, ये मैंने बहुत अच्छे से ब्रॉड तरीके से कराया है, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हम करेंगे 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन वो संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में समाहित कर दिया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में समाहित कर दिया गया और इसी के साथ उसे मूल कर्तव्य से भी बैकडोर से जोड़ा गया, जिसमें कि माता पिता के कर्तव्य को मजबूत बना दिया गया कि भाई आपको बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे मूल कर्तव्य हो गए, ये हमारे संविधान संशोधन हो गए। इसके अंतर्गत मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था कि इसमें नीति, इस 42वें संविधान संशोधन में नीति निदेशक तत्वों को वरीयता दे दी गई थी मूल अधिकार के ऊपर, जिसके अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, जैसे 39A, 43A, 48A संबंधित है आपका पर्यावरण से, है ना, कि पर्यावरण की सुरक्षा करना राज्य का जिम्मा है। 43 संबंधी है कि इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसमें मजदूरों की भी भागीदारी बढ़ाई जाए, है ना, ये डाला गया था। और फिर 39A में समान न्याय, इक्वल जस्टिस और फ्री विधि की सलाह, फ्री लॉ की जो गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में अमेंडमेंट करके 42वें संशोधन में ही डाली गई थी। तो ये मैं बताना भूल गया था, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हुई है, अगली वीडियो इसी से कुछ रिलेटेड होगी और आगे पॉलिटी भी चलाते रहेंगे। बायो के लिए प्लीज़ चिंता मत करिए आप लोग, जितनी चिंता आपको उससे ज़्यादा चिंता मुझे है, ठीक है। तो बायो भी चलेगी और हिस्ट्री के लिए पूरी तैयारी हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच।